आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो क्या दिया हुआ है, 3k+1 x² + 2k+1 x + k = 0। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो। तो हमने क्या किया, जस्ट वी हैव रिटर्न डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या क्या होता है, b² - 4ac इज योर डिस्क्रिमिनेंट। तो वी विल राइट हियर b² - 4ac दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब आप देखो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड इज योर ax² + bx + c दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, यहां पर आपका ए क्या है, देखो ए इज आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज योर 3k+1, 3k+1। बी इज कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज योर 2k+1 एंड सी इज इक्वल टू योर के। ठीक है ना, ये जो वैल्यूज है वो आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे b² - 4ac के अंदर। तो देखो आपका क्या आ रहा है, b² इज 2k+1 होल स्क्वायर, तो आपका आ गया 2k+1 होल स्क्वायर -4 into a, इज 3k+1, 3k+1 into c, c इज k, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो अब आपका देखो क्या हो रहा है, आप इसको सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 2² इज 4, 4k+1 होल स्क्वायर -4। नाउ अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो आपका क्या आ रहा है, देखो 3k² + k दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब k+1 होल स्क्वायर को सॉल्व करो एंड तो आपका आ जाएगा k² + 1 + 2k, क्योंकि a+b होल स्क्वायर है ये, है ना। तो आपका ये आ गया माइनस, आप 4 के साथ करो, 4 3 12, k² - 4k दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब 4 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करो, देखो आपका क्या आ रहा है, आपका आ जाएगा 4k² + 4 + 8k -12k² - 4k दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसको सॉल्व करो, यहां पर आपका है -12k² यहां पर है 4k², तो दैट इज योर -8k² -8k² नाउ के में देखो यहां पर है +8k, यहां पर -4, दैट मीन्स 4k +4k नाउ और +4 दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब कभी भी हमारा क्या होता है, जब स्टार्टिंग होती है तो माइनस में नहीं होता है, तो वी विल चेंज द साइन एट द सेम टाइम। यू कैन सी यहां पर 4 इज कॉमन, तो नाउ वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाई -4, -4 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखो आपका क्या आएगा, इट विल कम 2k² - k - 1 दैट इज इक्वल टू जीरो।
ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो दैट इज योर, क्या होता है आपका, ए सी इज इक्वल टू बी, ए सी इज इक्वल टू बी। तो ए इज टू, बी इज वन, तो क्या हो गया, टू इंटू वन इज टू, एंड वी हैव टू मेक इट बी, बी इज वन। तो आपका आ गया टू इज इक्वल टू वन, एंड दैट टू माइनस। तो अगर आप इसके टर्म्स निकालेंगे तो टू इंटू वन, तो टू माइनस वन, और यू कैन से माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन गिव्स यू माइनस वन। तो ये आप मिडिल टर्म में लिखेंगे, दैट इज योर माइनस टू प्लस वन वाला। तो आपका आ जाएगा टू के स्क्वायर माइनस टू के प्लस के माइनस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, टू के इज कॉमन, तो आपका आ जाएगा टू के इज कॉमन। तो यहां पर आ गया आपका के माइनस वन, फिर आपका वन इज कॉमन, तो यहां पर भी आ गया के माइनस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार बाहर वाला, एक बार अंदर वाला, तो आपका के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड आउटर इज टू के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर क्या हो गया आपका, के इज इक्वल टू वन, और यहां पर आपका क्या हो गया, देखो टू के इज इक्वल टू माइनस वन, तो के इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो ये आपके दो आंसर्स होंगे या वैल्यू होंगे, रूट्स होंगे आपके के। ठीक है, तो आपके वैल्यू इज के 1 एंड -1 बाई 2। ठीक है।